भैया बा हम हरिओम म्यूजिक सुभाष यादव बिरहा गायक बाबू नरभोरा आजमगढ़ से बड़े भाई अभिमन्यु की रेख देख में एक ऐसा बिरहा पेश कर जा थिला जे भी सुनी याद करी कौन बिरहावा मास्टर किसी हु की सकति प्रखर से लजा संग शिखर देव सुर नर मुनि संग जलवा सजाए सत्यम शिवम सुंदरम संग सती जी हर हर महादेव गरिमा बढ़ाए सत संग में सतवादियों की संबल हर कैलाश पर्वत को पावन बनाए हर पीड़ा बजाते मधुर गीत गाते अरे नारद जी शंभू के शरणों में आए मास्टर साहब एक लाइन गजल बा बजावा कि अरे अबे आओ करी बाओ अरे अबे आओ करी बाओ शर्माने से क्या होगा अबे आओ करी बाओ अब आओ करीब आओ शर्माने से क्या होगा बीमारी मोहब्बत को बीमारी मोहब्बत को तड़पाने से क्या होगा कभी बड़ी अच्छी लाइन लिखे है बाबू परवाना हुआ प्यासा परवाना हुआ प्यासा शीतल जल कहाँ होता पर सही हाँ बाबा परवाना हुआ प्यासा शीतल जल कहाँ होगा संतों की सभा पाकर संतों की सभा प्यातर
फल निष्फल कहाँ होगा। सही हाँ बाबा, यही से कहानी की शुरुआत बाद मास्टर साहब सर बजाइए। किरड़ा किए कैलाश में कैलाश पति जी, ब्रह्मा विरांची विष्णु त्रिदेवी सती जी, सतसंग की शोभा में आलोक उगाए, अंबर खुशी के आबरू में पुष्प गिराए, सतसंग समारोह में मशगूल सभी हैं, नारद के समझ आया है फिजूल सभी हैं। हे नाथ दीनानाथ एक प्रश्न बताओ, हे नाथ दीनानाथ एक प्रश्न बताओ, हे नाथ दीनानाथ एक प्रश्न बताओ, सत्संग का क्या अर्थ है नारद को सुनाओ। सया बाबा कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ एक सत्संग समारोह कर रहे थे बाबू, सारे देवी देवता वहां उपस्थित थे। नारद भगवान बाद में इन्हें आकर के भगवान भोलेनाथ से कहे, प्रभु आप क्या करवा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ नारद से कहने, हम सत्संग करवा रहे हैं नारद। भगवान भोलेनाथ कहने, नारद जी बोले, प्रभु सत्संग का क्या मतलब होता है? भगवान भोलेनाथ कहने, अगर नारद आपको सत्संग का मतलब जानना है तो कुछ करना होगा। क्या करना होगा? गीत लगा। एक पहाड़ी गीत बताओ बाबू की। अरे पियावा मिलल बा लाला मुंगावा, बोले के सपनावा ये नाना दी, सैया पनिया भरा नगली वही पानी घटावा, और वही पानी घटावा रे वही पानी घटावा, अरे फोड़ ही के हे हो फोड़ ही के मंगला घड़ी लावा, बोले के सपना वाले नाना सैया। भगवान भोलेनाथ नारद से कहने, नारद आपको कुछ करना होगा, तक क्या करना होगा? बोले सेवा माधुरी बचनिया, सुना नारद ज्ञानिया ये मुनिवा, सैया सैया
कुछ दूर जाई पता मिल दिया बनावा। आप नारद भगवान भोलेनाथ नारद से कहने की नारद अगर आप कुछ दूर पर जाएंगे घनघोर जंगल मिलेगा, उस जंगल में आपको एक पेड़ मिलेगा, वह कौन सा पेड़ है? पीपल के कोतर में सर्प का लाल हनावा। उस जंगल में जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में एक कोतर है, उस कोतर में एक सर्प का बच्चा है। तब अरे उहवा बताई है कहानिया सुना नरद जनिया ये मोनिवा अगर उसी सर्प के बच्चे से पूछेंगे नारद तो आपको सत्संग का मतलब बता देगा। नारद जी गई न जाकर के बाबू उस पीपल के पेड़ के कोतड़ में देखे तो सर्प का बच्चा था। कहने का कि सत्संग का नाम सुनत अरे अब भाई न संताप हो। जो वही सत्संग शब्द उस सर्प के सामने रखे नारद गड़बड़ हो गए। का गड़बड़ भयल? अरे कल मुश्किल बताना हुआ मारी गायल सांप हो। अरे पीड़ा वाले का बढ़ल गलनिया सुना नारद बाबू। जब ही नारद उस सर्प के बच्चे से पूछते हैं कि बता मित्र सत्संग का क्या मतलब होता है, गिरा और बाबू मर गया। नारद जी उदास हुए। टेरिक लाइन बाई अरे निराशा नारद ज्ञानी हो गए। अरे निराशा नारद ज्ञानी, निराशा नारद ज्ञानी हो गए। कंपन करे कलेजा करुणा की अभिलाषा अरे अभिलाषा अरे अभिलाषा। कल शोकित हो कर नारद लवटे, चिंता में नारद जी हो गए। जहां भगवान भगवान भोलेनाथ भेजे थे सफल नहीं हुआ। अरे शोकित हो कर नारद लवटे, शिव से विनती किए अपा। शरण दीजिए नारायण जी, कलंक टीका लगल कपा। सकार सपना ना भइले हे महादेव बोले मन में, सुझाव के उपरांत प्रभु नारद को भेज दूसरी बार। भगवान भोलेनाथ नारद जब वापस गए भगवान भोलेनाथ के पास, नारद जी कहने नारद
भगवान भोलेनाथ बोले, नारद अगर सत्संग का मतलब आपको जानना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। एक जगह अगर सत्संग का मतलब नहीं जान पाए तो निराश मत होइए, तो अब कहां जाएगा बा गीत लगल। मजे के मास्टर साहब पुरान हो गए लेकिन रंग हो आज भी साथो साथो। नदी अपरवा से मर भैया आइला रे ना नदी मुरा अरे ताबो बाबा भी दवा नहीं कई ना सुनाये साथिया भोलेनाथ नारद से कहने आमावा के पेड़ पे सुगनवा हुआ ये बचावा सुगनवा ए नारद चले जाइए उसी जंगल में जहां आप गए थे, उसी जंगल में एक आम का पेड़ है, वहां जाएंगे तो एक सुग्गा का बच्चा मिलेगा। आमावा के पेड़ पे सुगनवा हुआ ये बचावा सुगनवा उहावा बताइया दसतान सुनाये बचावा अरसित भाय मनावा नारद कई दियाल ये पायनवा नारद अरसित भाय मनावा नारद कई दियाल ये पायनवा नारद सुगना कह छुटल बापरान सुनाये बचावा ए बाबू। नारद जी जा करके उस आम के पेड़ पे जो सुग्गा बैठा था बच्चा था उससे पूछते हैं, बता मित्र सत्संग का क्या मतलब है। गड़बड़ हो गया, कौन सा गड़बड़ है। दुखवा दबावा सिर पे गामा कबदारी आये रे दुखवा दबावा सिर पे गामा कबदारी आये रे गामा भैले नारद बाबा परेशान सुनाये बचावा ये बाबू। जब वही उस सुग्गा के बच्चा से पूछते हैं, वो भी गिरा और मर गया। भगवान नारद के दिमाग में कुछ बस गया कि लगता है भगवान भोलेनाथ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर गए कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के सक्षम बाबू जब खड़ा होते हैं, एक गीत लगल मास्टर कोनो नए युग का लड़की रहल अपने
मन सेधु के समझावत बा कि ए जी जमाना तो बिल्कुल बदल गेल बा, लेकिन तू तो बहन पुण्य है, खाया लात कलौकत हवा। मर्दा कहले करे कवन बात बतियावत ही रे, बतावे लगल आयल फैसनवा क, आयल फैसनवा क, जुगए पिया जुगए पिया पर्दा हटाला। भगवान भोलेनाथ नारद को कहाँ भेजते हैं बाबू? भेजे लगौआ की, भेजे लगौआ की वो रहो मिली असली कारणवा। चकवा से हंसी है चा को रहो यरचा, को रहो मिली असली कारणवा। छरू जा नमवा ए नारद, आप चले जाइए उसी जंगल के बगल में एक गांव है, उस गांव में एक किसान के घर एक गाय बछड़े को जन्म दिया है। अगर उस बछड़े से सत्संग का मतलब पूछे गए तो वह बता देगा। तब लिहल किसान घर बछरू जन्म, वो नहीं से पूछा जाके मन कमार मामा। आगम हो जाई हया जो रहो यरिया, जो रहो मिली असली कारणवा। जाइए नारद उस किसान के घर, जो गाय बछड़े को जन्म दिया है उस बछड़े से पूछेंगे तो सत्संग का मतलब बता देगा। नारद जी सोचना
बताइए, उस जंगल में सर्प के पास कोई नहीं था मालिक, न उसका कोई माई बाप था और ना ही उस सुग्गा के पास, लेकिन उस बछड़े का तो मालिक होगा। अगर पूछेंगे और वो मर गया तब तो बांध के पिटाव। भगवान भोलेनाथ कहने की नारद, अगर जाने के हो तो आपको यह करना होगा। नारद जी सोचने कि चला भाई कौनो दिमाग लगाई, पहुंच गए किसान घर पापड़ कलाई। अरे बने पावरा पुत गुमानी नारद ज्ञानी हो, बने बावरा बुद्ध हीन गुमानी नारद ज्ञानी हो। अब पहुंच गए हैं किसान घर सलामी नारद ज्ञानी हो। नारद जी बाबू किसान के घरे पहुंचने के बाद सोचने का सोचने कि अरे गई हो तो क्या कृष्ण गए अपने घर के अंदर गई ले हो। आड़ में नारद छुपे रहे तब तुरंत सवाल कई ले हो। अरे चट सुनते पट मर गया भैल गलानी नारद ज्ञानी हो। अरे भगा मुसाफिर बहन से पानी नारद ज्ञानी हो। ए भैया, जब ही उस बछड़े से पूछते हैं बता मित्र सत्संग का क्या मतलब है, वो भी गिरा और मर गया। फिर भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी गई ना, कहने का यार अरे मालिक हमें कितना धोखा देवा। नारद जी को बाबू भगवान भोलेनाथ फिर समझावत हमें, समझाए के अब कहां भेजत हमें अलग लाइन में। अरे तरल नहीं तरल से होनी हो ना हरिया ये भैया, मिटे ना मिटवले जवाना लिखल बली पहुंचे पीड़ा धारी त्रिपुरारी के समनवाय बाबू। धधक के लवरिया तन में क्रोधवाय पार, सती संघ में बू हरिया तो हर परी हो जाए। कतहू खियाई देवा लत मुकमार, होई के या धीर बोले धीर धारा मुनिवार एक बेरा। चौथी बचलिया मोरा माना एक बार,
एक बात और हमारी मानिए, अब कौन सा बात माना है कि हाओ सदर बात। अरे कुछ दूर जाइबा मिली राजा का महालिया, वो नहीं के घर लाला लाला या माता, हवा बताइ हम तुहरे प्रश्न का जवाब बाबा। साधु रूप धैला नारद होई के लाचा, जाय के नारे से घर आल खाजा गावला, ये भैया जाय के आल घर नर खाजा गावला। अरे चल मन सुगाना दीदार हो, नारद भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर के और गए उस राजा के दरबार में, जाकर के उस बच्चे से बाबू सवाल करना चाहते हैं। जब वही दरवाजे पे लोग देखते हैं कि नारद साधु के भेष में कोई साधु आया है, लोग कहते हैं बताइए साधु बाबा हमारे घर आपका कैसे आना हुआ। नारद जी साधु के भेष में कहने कि हम आपके घर आए हैं, जो आज ही आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है उससे मेरा एक प्रश्न है। घर के लोग सोचे पे मजबूर हो गई ने कि आज एक बच्चा और उसे ये साधु बाबा प्रश्न करना चाहता हूं। का बताई वो बताई का, लेकिन बाबा साधु बाबा का बात रहल, सारे लोग सहमत हुए बाबू। और नारद जी एक शर्त रखना, एक शर्त रखे, उनके दिमाग में वो बात थी कि कहीं मेरे प्रश्न पूछने पर ये बालक मर जाएगा तो बड़ी बुराई हुई, बड़ी बुराई हुई, कोठरी में केवाड़ी बंद कई के मुसरन से मार खाई पड़ी। उस शर्त रखे कि पूरे परिवार के लोग बाहर चले और हम अंदर जाकर के उस बालक से अपना सवाल करेंगे। बाबू यही हुआ, चलाकी सोचने, चलाकी जो किए नारद अपने बचने के लिए, का कहने खड़ी लाइन पर। अरे महल के बीचवा ये बाबू, महल के बीचवा तो साधु कई दल पायनवा, महल के बीचवा काले हंसे ठठा के बालक नारद नकली रूप बनाए, लख चौरासी में बाकी दा तीन जन्म बतलाए, भारी कैला यह सनावा, महल के बीचा बाबू। नारद जब वही घर के अंदर गए तब तक ठठाटा का मार के वो बच्चा हंस दिया, कहले अव नारद। नारद जब नारद सब सुने बाबू ठक हो गए कि अजुए के ई बच्चा पैदा, हमार नाव कैसे जान गल कि हम नारद हिला, बता मेरे प्रश्न का जवाब। वो बालक कहा पूछिए मत, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देता हूँ। नारद कहने आप मेरे प्रश्न को भी जानते हैं। वह बालक कहा सब जानता हूं, तो कौन सा प्रश्न है।
सत्संग का क्या मतलब है आप यही पूछना चाहते हैं। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बारे मालिक, बारे भगवान भोलेनाथ की कृपा, यह बच्चा क्या है? मेरे प्रश्न का पहले ही जवाब दे दे रहा है। नारद भगवान को सत्संग शब्द पे बाबू अब जाकर के विश्वास होने लगा कि है कुछ इसका मतलब। मतलब कौन रहल? उ लड़कवा बतावे लगल, ए नारद हमार बात ध्यान से सुना। कल हम ही ते सुग्गा गाय का बछड़ा, हम ही सर्प का लाल। उ क्यों दूसर ना रहल, हम ही उ सुग्गा रहली, हम ही उ बछड़ा रानी, हम ही सर्प रानी। लख 84 में ए नारद जी हमार 3 जन्म बाकी रहल, लेकिन बहुत बड़ा उपकार कह दहला कि आज हम तोहरे सामने खड़ा हिला। कहने उ कौन उपकार? कहने कि जौन हमारे कानों तक सत्संग शब्द आप रख देते थे, हम जो ही मरते थे वह दूसरा जन्म पा करके धड़ाधड़ तीनों जन्म अपना गवां बे। तीनों जन्म जब हमारा सफल हो गया तो आज हम आपके सामने मनुष्य का बच्चा पैदा हो के बैठल हिला। अब हमें आपके सत्संग शब्द का यही मतलब है। कल हम ही सुग्गा गाय का बछड़ा, हम ही सर्प का लाल। शब्द सुनत सत्संग, अरे ढंग का मुक्ति भैली हाल। पवली मानवा लतनवा महल के बिछावा, आपकी कृपा से आज जौन मनुष्य के घरे हमार जन्म भयल बा, आपकी कृपा हो। अगर आप सत्संग शब्द हमारे यहाँ ना पहुंचौता, हमारे कान तक सत्संग शब्द ना आवत, तो शायद आज हम सुग्गे बन के भ्रमण करी, सर्प बन के रही, बछड़ा बन के रही। लेकिन ये नारद भगवान बहुत बड़ी कृपा आप कैला कि आज हमार कुल जन्म तार दहला, मनुष्य के घरे हम जन्म आनंदित होके जिंदगी बिताई। नारद भगवान के बात समझ में आई कि जब सत्य संग शब्द में जीवन का वारा न्यारा उद्धार होत हो, तो जे उ कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के सामने सत्संग सुनत होई, ओकर का हवाल होई। जाकर के नारद जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में सर झुकाए और कहे, प्रभु हमारे गलती के क्षमा करा, आप धन्य हैं। हमारे अंदर का जो बहम था, भ्रम था, आज हमने उसको दूर कर लिया, ये आपकी कृपा है। बैठ गए सत्संग में बाबू, यहीं से हमार विरह समाप्ति है। आखिरी लाइन बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश, सत्संग शब्द है प्यारा, जो सत्संगी सुने ध्यान से जीवन भौंसे न्यारा। अरे निराशा नारद ज्ञानी हो गए, अरे लिखते शिव मूरत सुबास करते आसा। निराशा नारद ज्ञानी हो गए।